सितंबर को भारत में लोग अपने शिक्षकों को और अपने जीवन में अनेक योगदान को याद करते हैं। जहां शिक्षकों के सम्मान में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, वहीं भारत में यह एक महीने पहले 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म मद्रास से 40 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश से सटी सीमा के नज़दीक तिरुतन्नी में हुआ था। एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन के पिता श्री वीर समैया उस दौरान तहसीलदार थे। 1950 से 2003 में जनकराज जय लिखते हैं कि हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने वाला ये परिवार मूल रूप से सर्वपल्ली नाम के गाँव से था। राधाकृष्णन के दादाजी ने गांव छोड़कर तिरुतन्नी में बसने का फैसला किया था। 8 साल की उम्र तक राधाकृष्णन तिरुतन्नी में ही रहे, जिसके बाद उनके पिता ने उनका दाखिला क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में करा दिया। इसके बाद तिरुपति के लुथरियन मिशनरी हाई स्कूल, फिर ब्रूचस कॉलेज वेलूर और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी की। 16 साल की उम्र में अपने दूर की एक रिश्तेदार के साथ उनकी शादी हो गई। 20 साल में उम्र में उन्होंने एथिक्स ऑफ वेदांत पर अपनी थीसिस लिखी, जो साल 1908 में प्रकाशित हुई थी। बेहद कम उम्र में राधाकृष्णन ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। 21 साल की उम्र में वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी विभाग में जूनियर लेक्चरर बन गए थे। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और 10 साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। वो ब्रिटिश एकेडमी में चुने जाने वाले पहले भारतीय फेलो बने और 1948 में यूनेस्को के चेयरमैन भी बनाए गए थे। भारत में साल 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी साल मई में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देश के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाला था। इससे पहले 1952 से 1962 तक वो देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन के मित्रों ने उनसे गुजारिश की कि वो उन्हें उनका जन्मदिन मनाने की इजाज़त दें। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है और उन्हें बेहतर इंसान बनाने में शिक्षकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि उन्हें प्रसन्नता होगी अगर उनके जन्मदिन को शिक्षकों को याद करते हुए मनाया जाए। इसके बाद 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।